नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर को ऑलरेडी चेंज हो चुके, 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 25 दिसंबर तक वहीं पर रहेंगे। बुध जो है वो 28 नवंबर से 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे और 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक बुध वक्र अवस्था में है, 20 दिन तक, और गुरु ऑलरेडी वक्र अवस्था में ही है इस महीने। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल लग्न में ही स्थित रहेंगे सूर्य के साथ 16 तारीख तक। देखिए, ये महीना जो है वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि सफलताओं से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा क्योंकि सूर्य लग्न में और शुरू के 16 दिन आई थिंक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अगर कोई बड़े कार्य की शुरुआत करनी है, जो भी लोग जॉबलेस हैं उनके लिए शुरू के 16 दिन का समय बहुत ही अच्छा है जॉब मिलने के लिए, और मुझे लगता है बहुत ही गजब का एक पावरफुल समय कहूंगी करियर के लिए, कि जहां पर आपको ऊंची सफलताएं प्राप्त होगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है और द्वितीय भाव में बुध है, वक्री होएंगे 30 तारीख को और सूर्य 16 तारीख को यहाँ पर एंटर होंगे। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि जब द्वितीय भाव के स्वामी यानी कि फैमिली के स्वामी खुद डिस्प्यूट में बैठे हुए हैं और वो भी वक्र अवस्था में है, तो परिवार का माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को उधार पैसे देते हैं, तो ये महीने मुझे लगता है इस प्रकार की प्रक्रियाओं से दूर रहना चाहिए। और जो भी लाइक फैमिली इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी ज्वाइंट बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है सही समय नहीं है। और यहाँ वाणी डेफिनेटली बहुत रिबेलियस होगी, यानी कि जो भी विरोधाभास होना चाहिए उस प्रकार का विरोधाभास होगा। आप काफी स्ट्रॉन्गली लीड पोजिशन में रहेंगे और काफी लोगों को डोमिनेट भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि जब बुध का वक्री भ्रमण है और सूर्य यहाँ पर आएंगे तो वाणी और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो जब भी कोई फैमिली का मैटर है, कोई भी क्लैश है, तो वहां पर आपको बहुत वाणी को संयम में रखकर आगे बढ़ना है। इस चीज का आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में है, मार्गी अवस्था में है। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब शनि की बात की जाती है तो यहाँ पर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव, कोई भी टेक्निकल चेंज करना चाहते हैं आप, डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है। कोई भी प्रकार का जॉब का अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपका कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है तो बहुत पॉजिटिव है ये महीना आपको जॉब मिलने के लिए, और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा समय है कोई भी परिवर्तन के लिए, कोई भी स्थान परिवर्तन के लिए। आप जो भी ट्रैवलिंग करेंगे बहुत लर्निंग पीरियड रहेगा आपके लिए ये, और मुझे लगता है कि यहाँ पर विदेश के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं या कहीं पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो वहां पर मार्केटिंग है, सेल्स है, उन लोगों के लिए काफी फायदेकारक परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि मार्गी है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पूर्ण रूप से है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये एक ऐसा समय है कि आप रिनोवेशंस भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। माता के साथ छोटा मोटा क्लैश बना रहेगा ये महीने में, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। काफी एम्बिशियस महीना है इस महीने में, मुझे लगता है आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा रहेगा कि उसको मैचअप कर पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहेगी। और जो भी लोग, स्पेशली कहूँ कि जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। साथ साथ में अगर आप कोई भी जो पुरानी प्रॉपर्टी को रिनोवेट भी करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय कहूंगी इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए।
मन में एक उतावलापन डेफिनेटली रहेगा। मुझे लगता है कि जो मंगल लग्न के अंदर है और मंगल की जिस प्रकार की दृष्टियां हैं, ये व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में कार्य करने की क्षमता देती है, उसकी ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहता है, तो उसके लिए मतलब चीजें काफी फास्ट होनी चाहिए, उसको स्लो डाउन होती हुई चीजें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस आपके अंदर डेवलप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी गुरु बनकर वक्र अवस्था में सिक्स हाउस में है, राहु यहाँ पर स्थित है। जो भी मेडिकल के छात्र हैं, मेडिसिन के अंदर जाना चाहते हैं और कोई भी लॉ के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, यानी कि लॉयर्स हैं या कोई भी इस प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, जज का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। टेक्निकल जो लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी परीक्षाओं का एक जो कहते हैं ना कि एक समय होता है कि जहां पर उसको एग्जामिन किया जाता है, तो बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। मगर यहाँ राहु जो है वो व्यक्ति को कंटिन्यूअस भटकाव देता है, और यहाँ भटकाव की परिस्थिति कैसे रहेगी कि आप या तो एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं लगने देता या आपको कहीं और पर उलझा देता है, यानी कि आपको कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं जहां पर आप एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से आपका नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बच्चों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके मानसिक स्तर और आपके स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, यानी कि आप अगर वृश्चिक लग्न के हैं तो बच्चों की वजह से आपको मानसिक थोड़ा सा तनाव रहेगा, उनके जीवन में कुछ उनके डिसीजंस के कारण आपको परेशानी होगी, या तो आपके विचार या उनके विचारों में थोड़ा मतभेद रहेगा। यहाँ राहु की वजह से मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली कहूँ कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस महीने के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है वैसे लग्नेश की परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, मगर जहां पर राहु की अवस्था को देखते हुए जो पांचवें घर का स्वामी वक्र अवस्था में सिक्स हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट की बात करें तो ये महीना मुझे लगता है शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिस्की है, तो बहुत सोच समझ के और कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो कहते हैं ना किसी के बहकावे में आके कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नुकसान की परिस्थिति हो सकती है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड लग्न के अंदर है और यहाँ पर गुरु स्थित है, गुरु वक्री अवस्था में है, और यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड की पोजीशन को जो देखती हूं मैं कि लग्न के अंदर और सूर्य के साथ है, तो देखिए शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे, मगर ये एक डिस्प्यूटेड अवस्था है जहां पर आप एक तो सबसे पहली चीज किसी भी प्रकार के क्लैश में मत पड़िएगा। ये व्यक्ति को झगड़े के अंदर जो नहीं सोचते वो भी झगड़े के अंदर आपको डाल देते हैं। मंगल का एक कार्य ऐसा है कि वो त्वरित झगड़ा करवा देता है, और यहाँ पर गुरु की वक्री अवस्था ऐसे कि आप परिस्थितियों में कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ। तो आपके स्वभाव में शांति रखिएगा, किसी के बहकावे में आप आकर कभी भी कोई भी प्रकार का क्लैश मत कीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, मगर हो सके वहां तक इन चीजों में पड़ने में आपको कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ गुरु की वक्र अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कोई भी प्रकार की लोन की अवस्था है तो वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी चीज, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पर मुझे लगता है सिक्स्थ लॉर्ड लग्न के अंदर है तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। और इस महीने स्पेशली शुरू के जो 16 दिन का समय है कि जहां पर सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भी है, तो उसके अंदर आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए मंगल का लग्न में होना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, मगर ये सिक्स्थ लॉर्ड बन के यानी कि ये रोगेश होकर लग्न में बैठा है, तो अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ कहीं पर भी चीजों को लाइटली नहीं लेना है आपको। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, तो सप्तमेश शुक्र बनकर 12th हाउस में है। यहाँ पर एक ऐसी अवस्था है कि सातवें घर का स्वामी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। ये महीने में मुझे लगता है आपका
बिजनेस के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट होगा और काफी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ आप कह सकते हो कि व्यय बहुत ज्यादा रहेगा, वो भी खर्चे भी इस प्रकार के होंगे जो आपको टेक्निकली परफेक्ट बनाने के लिए हो, कुछ लग्जरी के पीछे एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि पत्नी के साथ वाद विवाद की समस्या और ईगो क्लैश की समस्या इस महीने रहेगी, और संबंधों के अंदर कहीं पर भी अहंकार बीच में आ सकता है, इस प्रकार की समस्या रहेगी। साथ साथ में एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये शुक्र की अवस्था को देखते हुए कि जिन जिन का डाइवोर्स केस चल रहा है उन लोगों को बहुत शांति से डील करना होगा, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रिबेलियस होने में नुकसान की परिस्थिति है। मैं एक चीज कहूँ कि गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से है, तो अगर संयम रखेंगे तो ये महीने के बाद आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी रिलेशनशिप के अंदर भी, मगर बहुत ज्यादा मुझे लगता है झगड़े की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से विदेश अगर आप पति पत्नी साथ में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। और यहाँ जो भी खाने पीने का व्यापार करते हैं और आईटी क्षेत्र में, उनको सबसे ज्यादा लाभ है। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश बुध बनकर आपके एक तरह से सेकंड हाउस के अंदर है, तो देखिए रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में कहीं ना कहीं भटकाव की परिस्थिति भी रहेगी, क्योंकि ये जो अष्टम भाव का स्वामी वक्र अवस्था में आएगा तो ये व्यक्ति को बहुत ही जल्दी, जैसे शॉर्टकट में पैसा कमाने की जब कोशिश करते हैं लॉटरी के द्वारा या कहीं पर भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको लगता है त्वरित गति से आप आगे बढ़ जाएंगे, मगर इस प्रकार की प्रक्रियाओं में आपको कोई फायदा मुझे नहीं होता हुआ नजर आता, तो यहाँ मेहनत डेफिनेटली पड़ेगी, उसी मार्ग पर आपको सफलता मिलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नवम भाव की बात करते हैं, देखिए आध्यात्मिकता की बात की जाए तो आध्यात्मिक चिंतन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आपको बहुत ज्यादा कहते हैं लेसन्स भी प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक चीज है कि जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली कहते हैं कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की, ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्म प्रधान महीना है ये। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको इस महीने प्राप्त होगा, और शुरू के 16 दिन बहुत मजबूत है। कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई जॉब के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, शुरू के 16 दिन मुझे लगता है बहुत मजबूती के साथ आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर सुपीरियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, आपके जो भी आपने तय किए हुए वो हर कार्य आपके संपन्न होंगे। एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बुध की वक्री अवस्था है और गुरु की वक्री अवस्था, वो किसी भी प्रकार में अपनी वाणी के अंदर बहुत मिठास रखिएगा, अपनी वाणी को प्रिसाइज रखिएगा, बहुत ज्यादा प्लान करके बात कीजिएगा कहीं पर भी आपका प्रेजेंटेशन है, क्योंकि सूर्य और मंगल के कारण आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और कोई भी शत्रु पर आप पर हावी नहीं हो पाएगा। मगर सिर्फ ये जो दो तीन चीजें उसकी वजह से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हो अगर आप चलेंगे तो बहुत ऊंची सफलता का समय है। इवन 16 तारीख के बाद भी बुधादित्य योग बनता है तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। 11वें स्थान की बात करते हैं, 11th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में है, यहाँ केतु है। मुझे लगता है बड़े भाई बहनों के साथ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि बहुत डिटैचमेंट आएगा आपको मन के अंदर, फैमिली और सबके प्रति एक दूरी आ जाती है व्यक्ति के अंदर, मानसिक दूरी हो जाएगी फैमिली से यहाँ पर। तो ये महीना इस प्रकार का रहेगा कि डिटैचमेंट क्रिएट जरूर होगा मगर बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, इस महीने इस प्रकार की प्रक्रिया है तो बहुत शांति से डील कीजिएगा। बाकी केतु के कारण आपको नई चीजों को एक्सपीरियंस होने की डेफिनेटली एक इच्छा होगी कि नई जगह पर जाने की इच्छा होगी, कुछ समय आपको लगेगा एकांत में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ चीजें जब चलती है मन में तो अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है व्यक्ति को। मुझे लगता है इस परिस्थिति के अंदर लोगों के साथ जुड़कर रहने में ज्यादा फायदा है।
ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। ट्वेल्थ हाउस में शुक्र पूर्ण रूप से है, तुला राशि के शुक्र है, तो फॉरेन लैंड से आपको बहुत फायदा। जो भी विदेश जाना चाहते हैं, जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए लोन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी आपको। गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सफलता रहेगी। अगर कोई भी लीगल मैटर है वहां पर भी आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, यानी कि कोई नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लग्नेश की अवस्था और ट्वेल्थ हाउस की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है अगर कोई क्लैश भी है तो वहां पर आप रिजोल्व कर पाएंगे चीजों को। मगर कुछ खर्चे मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड भी हैं, और आपके मन के अंदर आपके लग्जरी के पीछे भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये चीज जरूर कहूंगी कि इस महीने कहीं पर भी ईमेल राइटिंग करते हैं या कहीं पर भी व्हीकल्स खराब होने की समस्या, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। जो भी परिस्थिति है वृश्चिक लग्न के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।